मैं जीपीएस टोका में कार्यरत हूँ और आज अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक देने जा रहा हूँ। जब पहला दिन ट्रेनिंग का था और मुझे पता चला कि ये ट्रेनिंग 5 दिन की है तो मैं थोड़ा घबराता गया था कि इतनी लंबी ट्रेनिंग और ये 5 दिन कैसे बीतेंगे, परंतु जब ये 5वां दिन आज बिताया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 5 दिनों का पता ही नहीं चला कि ये 5 दिन कैसे बीत गए, क्योंकि हम लोग पूरा समय कभी एक्टिविटी में लगे रहे, कभी अपनी पढ़ाई में बिजी रहे, तो 1 मिनट के लिए भी हम बोर नहीं हुए। और बाद अरसे के मैं कहूँगा वो जो बचपन का हमारा पीरियड था जब हम स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, स्कूल जाते थे, वो दिन भी बाद अरसे के लौट के आए जब हमें स्टूडेंट बनने का मौका मिला। अध्यापक तो हम है ही हैं और उससे भी बड़ा अनुभव अपने अध्यापक साथियों को पढ़ाकर मिला, वो भी हमारे आगे स्टूडेंट बने। और रही बात हमारी इस ट्रेनिंग की, यह ट्रेनिंग हमारे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार साथियों हम अपने मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं ना, और अपनी पर्सनैलिटी को भी अपग्रेड करते हैं और अपने व्हीकल्स को भी अपग्रेड करते हैं, और इस प्रकार ये FLN की ट्रेनिंग है, ये भी हमारे टीचर साथियों को अपग्रेड करती है। टीचिंग के अंदर क्या क्या नई नई टेक्निक्स आई हैं, क्या क्या टीचिंग एड्स आई हैं, उसके बारे में हमें बतलाती है। हमने यहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि कैसे हम बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करके उन्हें खेल खेल के अंदर पढ़ा सकते हैं, खेल खेल में शिक्षा दे सकते हैं, और एक्टिविटीज के माध्यम से हम किस तरह बच्चों को अधिक से अधिक इन्वॉल्व करके उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में जगा सकते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो तो होती रहनी चाहिए, जो हमारे विकास के अंदर बहुत ही अहम कड़ी निभाती हैं। और इस ट्रेनिंग की कई खासियत मुझे लगी हैं। पहले जो ट्रेनिंग हुआ करती थी हमारी, तो अक्सर वो ट्रेनिंग्स आप सभी ने लगाई हैं, वो जो ट्रेनिंग्स थी वो हमें प्रिंसिपल या लेक्चरर के माध्यम से मिलती थी। इससे जो पहले ट्रेनिंग थी कोई प्रिंसिपल आता था कोई, या कोई स्कूल का लेक्चरर आता था, तो उससे हम ट्रेनिंग प्राप्त करते थे। और जो लेक्चरर होता था उसको प्राइमरी लेवल की जो कमियां हैं उसका नहीं पता होता था। परंतु इस ट्रेनिंग के अंदर एक नई बात जो हमें सबसे महत्वपूर्ण लगी, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारे JBT साथी हैं, जिन्हें कमियों का पता है कि प्राइमरी लेवल के ऊपर किस तरह की कमियां आती हैं और बच्चे कहां कहां पर वीक हैं, बच्चों को क्या सिखाना सबसे मुश्किल है और उस मुश्किल को हम कैसे आसान बना सकते हैं। और इसलिए मैं इनको भी बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे KRPs हैं, पंकज सर, प्रदीप सर, दिव्या मैम, पूर्ति मैम, इन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। पूर्ति मैम और दिव्या मैम ये हमारे अटेंडेंस के लिंक हमें भेजती रही, और किस प्रकार से हमने पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट करने हैं वो टाइमली हमें भेजती रही। और हमारे जो KRPs हैं, जो कहते हैं ना जी माला तो सभी को दिखती है, जो हम माला डालते हैं ना उसके मोती सबको नजर आते हैं, परंतु जो धागा है ना बीच का जो उसको जोड़ के रखता है, जो उसको पिरो के रखता है, तो वो धागे का जो काम किया है वो हमारे KRPs ने किया है। एक बार जोरदार तालियां। कितनी सुगमता से और कितनी मेहनत से इन्होंने 5 दिन हमें पढ़ाया, और मैंने तो मैं जो पर्सनल वो कि मैंने एक दिन भी इनको कभी गुस्से में नहीं देखा, चाहे कोई बच्चे ही थे ट्रेनिंग लेने वाले, चाहे कोई अध्यापक से कुछ निकल भी जाता था तो ये चुपचाप रहते थे। और रही बात, आज प्रिंसिपल मैडम हमारे मध्य बैठी हैं। 5 दिन हमारा ये जो 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप है ये मैडम के स्कूल में लगा, और मैडम ने बहुत सी सुविधाएं हमें प्रोवाइड कराई,
पहली सुविधा तो इतना खुला कमरा मैडम आपने हमें दिया, बिल्कुल हवादार, क्रॉस वेंटिलेशन इस रूम का ठीक है, और बैठने की व्यवस्था हमारी सही कराई, और 5 दिन जो हमें खाना मिला यहाँ पर, वो जो खाना हम अपने घरों में खाते हैं वो भोजन हमें यहाँ पर स्कूल के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, और किसी प्रकार की कोई कमी, कहते हैं ना कई बार कई जब घर में भी कई बार खाना लेट हो जाता है, कई बार जाते हैं ना लेट हो जाता है, परंतु यहाँ पर प्रॉपर यदि 1 बजे का टाइम था तो खाना हमें पूरे 1 बजे मिला। और अंत में मैं अपने KRPs को, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि चाणक्य ने कहा है कि हमें जो शिक्षा देता है, जो हमें नॉलेज देता है, वो गुरु होता है, और गुरु का कभी हम अपना उसका कर्जा नहीं चुका सकते। तो इनको भगवान तरक्की दे, और आगे भी मैं कहता हूँ उतनी शक्ति इन्हें प्रदान करे, ये आगे इससे भी ज़्यादा शक्ति के साथ बच्चों को पढ़ाएं और इनका लाभ सभी को प्राप्त हो। सुझाव मेरा ये है कि जैसे ये ट्रेनिंग कैंप हमारा जो लगा हुआ है, ये ट्रेनिंग कैंप एक स्कूल के अंदर लगा हुआ है, इन स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में कभी आधी छुट्टी हो रही है, कभी पीरियड चेंज की घंटी बज रही है, बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि तो स्कूलों को अपना सिस्टम अपने आप चलाना है, ये हमारे सिस्टम के हिसाब से तो ढलेंगे नहीं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा एक अलग से ट्रेनिंग कैंप हो, इसकी बिल्डिंग हो, या आप ब्लॉक लेवल पे नहीं कर सकते, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को एक बिल्डिंग का निर्माण कराना चाहिए, जहाँ पर हमारे सभी अध्यापक साथियों को बिना किसी डिस्टर्बेंस के टीचिंग एड मिल सके। बस इसी के साथ दो लाइनें इनके ऊपर कहूँगा अपने जो हमारे KRPs हैं कि जहाँ भी रहेगा रोशनी बिखेरेगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी बिखेरेगा, चिरागों का अपना मकान नहीं होता।